पुष्पराजगढ़ महाविद्यालय में लगातार चार दिनों से आंदोलन जारी। 3 वर्ष से सुविधा न मिलने पर छात्राओं ने उठाई आवाज। जी हां, मामला विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ और सांसद विधायक के क्षेत्र का है, जहां पुष्पराजगढ़ शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज के छात्रों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। छात्रों द्वारा कॉलेज के गेट में ताला लगाकर कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कॉलेज के छात्रों द्वारा कॉलेज प्रशासन और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया गया है कि हमारा हक हमसे नहीं छीना जा सकता, हमारा हक हमें दिया नहीं जा रहा है। हम सभी आदिवासी छात्रों को 3 साल गुजर गए हैं, पर आज तक हमें आवास का भत्ता नहीं दिया गया है, न हमें छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल पा रहा, न कॉलेज के अंदर बैठने की उचित व्यवस्था है, जिससे हम लोगों को पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं छात्रों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि शासन प्रशासन द्वारा हमें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारी आवाज ही नहीं सुनी जा रही है। पिछले साल भी हमने अपनी समस्या का जिक्र शासन प्रशासन के पास किया था, पर कोई सुविधा नहीं मिली। कॉलेज के छात्रों ने सभी को जमकर कोसा और कहा कि शासन प्रशासन का हम विरोध करते हैं, हम सबके दरवाजे पर गुहार लगा चुके हैं, पर सबसे निराशा ही मिली है। छात्रों ने यह भी कहा कि शासन प्रशासन अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे और हम नारा लगाएंगे कि हम अपना अधिकार मांगते हैं, न ही किसी से भीख मांगते हैं। इस बीच आंदोलन का समर्थन करते हुए पुष्पराजगढ़ विधायक श्री फुंदेलाल सिंह मार्को ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया एवं उनके साथ बैठकर नारे लगाए और कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी आवाज को और आप लोगों की मांग को विधानसभा में सोमवार के दिन उठाया जाएगा, ताकि शासन आपके साथ न्याय कर सके और आप लोगों को छात्र योजना का लाभ मिल सके। कुछ देर बाद जिला छात्र संगठन NSUI जिला अध्यक्ष सोनी ने भी आदिवासी छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। वहीं कॉलेज प्रशासन की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर सारमे ने बताया कि हम लोगों ने शासन प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत कराया है, ये समस्या ऊपर से हो रहा है और ये पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारणों से उत्पन्न हो रहा है। MPCG न्यूज चंद्रभान सिंह राठौर शहडोल प्रमुख की रिपोर्ट। 3 सालों से नहीं मिला है और इसके बारे में प्रचार से बात की है कोई अधिकारियों से? हमने 3 साल पहले भी बात करी थी प्रचार सर से, आज 2018 से करते आ रहे हैं बात और आज 2021 आ गया है, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई सुनवाई नहीं है। हमने यहाँ तक कि प्रचार तो क्या है, SDM कलेक्टर, हमने CM से भी बात करी, हमने खुद मिलने गए थे, हम CM से अपना वेदन भी दिए हैं। अब जब हमारे राज्य के मुखिया हैं CM, उनसे नहीं करेंगे तो किससे उम्मीद लगाए बैठेंगे? जब ये योजना का समाधान नहीं कर पाते हैं, जब ये योजना नहीं सध रही है, तो आप बंद कर दीजिए ना। आपका शुभ नाम? मेरा रिया सिंह। रिया सिंह, आप यहाँ कौन से उसमें हैं? मेरा MSc फाइनल है, मैं केमिस्ट्री से हूँ। केमिस्ट्री से हूँ जी। तो अभी तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला है? अभी स्कॉलरशिप इसी वर्ष का नहीं मिला है और बाकी 3 वर्षों का आवास भत्ता नहीं मिला है। 3 वर्षों से आवास भत्ता नहीं मिला है? नहीं मिला है। और कौन कौन से शासन से ये निवेदन करते हैं कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप ये योजना बंद कर दीजिए। स्पेशली आपके लिए ये नहीं है कि आप उस पुष्पराजगढ़ वालों को नहीं देंगे, जब है नियम का सबके लिए है, नियम है तो सबके लिए है। दूसरे जिले का होता है? अच्छा, आपको पता है कि कौन कौन से जिलों को मिल चुका है? आप ही बस डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, ये सब जिलों को, अनूपपुर जिले का यही कॉलेज जो नहीं, अनूपपुर जिलों वालों को मिला है, मतलब अनूपपुर ब्लॉक वालों को मिला है, यहाँ पर जो पुष्पराजगढ़ ब्लॉक में है उनको नहीं मिला है। और हमारे प्रचार और AC और कलेक्टर हमसे ये बेवकूफ बनाया जा रहा है हमसे कि आप ये समस्या सब में है, सब राज्यों में, पूरे राज्यों में है, ऐसा करके हमें बेवकूफ बना रही है। पता नहीं क्यों आपको कलेक्टर साहब बोले कि AC साहब बोले हमें? AC साहब ने हमारे पास आए थे। क्या नाम है AC साहब का? चतुर्वेदी करके हैं। और कलेक्टर साहब से नहीं है, मतलब वो कोई भी हो हमारी समस्याओं का समाधान करें बस। कलेक्टर साहब से सब कौन सी बात है? चंद्रमोहन ठाकुर जी हमारे यहाँ 3 दिन से बैठे हैं, आज 4th दिन है, लेकिन हमारे पास नहीं आए हैं। जब हम ऑफलाइन 4 दिन से जब कॉलेज बंद करके बैठे हैं, तो उनको हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो हमारे पास आए, यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम पूछे, लेकिन वो हमसे ऑफलाइन तक नहीं आए हैं मिलने, ना तो हमें बात करे हैं। हमारे पड़ोस पर विधायक बैठे हैं, सांसद जी बैठे हैं, लेकिन वो कभी हमसे मिलने नहीं आए हैं। कलेक्टर सर हमसे फोन पर बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चे बैठे हैं, हम 4 दिन से बैठे हैं, तो क्या वो नहीं आ सकते हैं यहाँ पर सर मिलने के लिए? विधायक जी के पास आप लोग पहुँचे? नहीं पहुँचे, हम नहीं जाएंगे। 500 मीटर आंदोलन कर आज बैठे हुए हैं, इनकी मांगे हैं कि इनके शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है और शांत रहे, आवाज भी इनको आवाज गुजारा भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है, इस संबंध में कुछ 2 शब्द बोलें। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश की सरकार, हमने दो पिछले विधानसभा में 2018-19-19-20 या अभी भी, और मूलभूत सुविधाएं बच्चों को मिलना चाहिए,
हमारा हक है, हमको छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। और आज से नहीं है, जब से इस देश स्वतंत्र हुआ है, स्वतंत्रता होने के साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये छात्रवृत्ति दिया जाता है। वर्तमान में 15 साल से जो वर्तमान सरकार है, कोई पुष्पराजगढ़ ही नहीं, अन्य महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में और जबलपुर की एक कांड आया छात्रवृत्ति घोटाले का, और वो लगभग 5 करोड़ का घोटाला था। बच्चों के नाम से फार्म भरे जाते थे, बच्चों के नाम से पैसा निकलता था, लेकिन बच्चों के हाथ में पैसा नहीं आता था। इसी तरीके से हमने पिछले विधानसभा में रखा, अभी फिर हम रखेंगे। इन्होंने छात्रावास यहाँ बनाई जाए, जितने भी बच्चे हैं हमारे, जब तक जो है बालक बालिकाएं छात्रावास की व्यवस्था नहीं होती, इस विकल्प में आवासीय व्यवस्था किया गया था। और आवासीय व्यवस्था में बच्चों को पैसा 2000 करीब उसको है देने की प्रावधान भी है, लेकिन अनवरत 3 वर्ष से जो है महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ में बच्चों को आवास की आवास छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जा रही है। इस पुष्पराजगढ़ में हमने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से भी अभी हमने वो किया था कि 35 साल से, चूँकि मैं इस विद्यालय का छात्र भी रहा हूँ, छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, 35 साल से इस ट्राइबल क्षेत्र में ये एकल विद्यालय संचालित है और अन्य विद्यालयों से यहाँ सर्वाधिक बालक बालिकाओं की हमारी छात्र संख्या करीब 1000 से ऊपर हो गए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा से आज भी ये पुष्पराजगढ़ का महाविद्यालय जूझ रही है। आज अनवरत बच्चों ने आज अनशन करके ताला बंद करके यहाँ बैठे हैं, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और ये प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जो शासन की योजनाएं हैं जिनके लिए बनाए जाते हैं, उन तक जो है बाखूबी पहुंचना चाहिए। और यदि नहीं पहुंचा, ये सब विद्या मंदिर है, यदि बच्चों ने इस तरीके से हड़ताल की है, पढ़ने के जगह में वो हड़ताल में बैठे 3 दिन से, जैसे ये लोग बता